फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे अरेंज का ऑप्शन जो फॉर्मेट में मेनू होता है। अभी पूरे डिसेबल्ड है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है। हम लोग एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके साथ में ये भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्रंट में है और ये बैक में है, इस वजह से ये ऑप्शन सिलेक्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट में है सबसे और ये सबसे बैक में है। अब हमें इसे भी सबको फ्रंट, सबसे फ्रंट में लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट। अब आप देखेंगे ये सबसे फ्रंट में आ गई है, लेकिन हम लोग ऐसा चाहते कि हम लोग सिर्फ एक स्टेप पीछे जाएं, तो ये हम बैक वन करते हैं। तो वो सबसे पीछे ना जाते हुए सिर्फ एक स्टेज पीछे जाएगी, यानी ये जो इमेज है कंप्यूटर की उसके पीछे चला गया है। सिलेक्टेड है हमारा रेड रेक्टेंगल और इसे अगर हम लोग सेंड टू बैक कर देते हैं तो सबसे पीछे चला जाता है। देखते हैं हम लोग, ये देखिए सबसे पीछे चला गया है, सबसे ऊपर है ये इमेज, जो कंप्यूटर की इमेज है ये सबसे ऊपर है। इस तरह से आप जब आपके दो या तीन ऑब्जेक्ट्स यहाँ होंगे उसमें किस ऑब्जेक्ट को आपको ऊपर मिलाना है, किस ऑब्जेक्ट को नीचे रखना है कर सकते हैं। और ये इसमें एक टू बैकग्राउंड ऑप्शन भी होता है जिससे ये बैकग्राउंड में चले जाता है और उसकी वजह से सेल के भी पीछे चला जाएगा। अब इसमें बाकी ऑब्जेक्ट्स ऊपर रहेंगे लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे ही रहेगी, सबसे पीछे, और ये सिलेक्ट भी नहीं होती क्योंकि वो बैकग्राउंड में है। इस तरह से ये अरेंज के ऑप्शन होते हैं।